जिसी है ये तारीफ ऐसे जो मैंने करी है। भैया करीब एक घंटे से हम यहीं बैठे हैं और 2 किलोमीटर चल के आए हैं भैया, लिफ्ट मिल ही नहीं पा रही है बिल्कुल, गाड़ियाँ इतनी कम चल रही है ना कि क्या बताएं यार भाई। अरे यार देखा भाई, किस्मत कितनी अच्छी है कि मैंने बोला ही था कि एक घंटा हुआ है और भैया उधर लिफ्ट मिल गई। और हुआ क्या था पता है, वो फैमिली है पीछे, एक लड़की बैठी थी तो हमने उनको रोका भी नहीं था, हमने थोड़ा आगे जाके अपना आप रुक गए। How we will manage? अरे यार थैंक यू भैया। चलो यार डायरेक्ट ज़ेनोबोटो के लिए लिफ्ट मिली है करीब 30 किलोमीटर की। चलो कहाँ रखेंगे बैग? इधर। हाँ जगह है, जगह है, जगह है। यस 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 घुसेगा, हो गया बस अब नहीं निकलेगा। चलो भैया कैसे ही करके घुस चुके हैं, अब यहाँ बैठ जाते हैं। भाइयों आधे रास्ते पर हम आए हैं और अभी यार ये देखो बड़ा खतरनाक यार, ये मतलब सुअर जो है ना बाहर आने के लिए मतलब इतना एक्साइटेड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या, या तो हंग्री है या भैया इसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, पता नहीं क्या है, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा है। हेलो हाउ आर यू? तो भैया वेलकम इन ज़ेनोबोटो। और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, फ्रीज हो रहे हैं ये समझ लो आप, खतरनाक ठंड है यार। कम से कम मतलब 2.5 घंटे लग गए हमको सिर्फ 30 किलोमीटर पार करने में। भैया रास्ता इतना खतरनाक था कि हमारी कार ना बैलगाड़ी बन गई। और भैया ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाई और बहुत अच्छी गाड़ी चलाई यार। भैया थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी यार, ठीक है? अभी आप तो वेडिंग अटेंड करोगे, ठीक है? चलो बढ़िया, ओके बाय बाय। भाई खतरनाक ठंड है, टू कोला। अरे यार सच में पता नहीं क्यों इतनी ठंड है, लेकिन बहुत भयंकर वाली ठंड है। और अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, भैया को बोलते हैं बाय बाय, भैया जा रहे हैं। और ये भैया का कैफ़े है ऊपर। और भैया को मैं कैसे जानता हूँ वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। वाह अच्छा लग रहा है यार, ज़ेनोबोटो भी बहुत प्यारा सा मतलब टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है। ओह दैट्स ग्रेट, ओह वाह ग्रेट यार। अच्छा कैफे भैया का तो, वेरी नाइस कैफे ब्रदर, थैंक यू, वेरी वेरी नाइस। इट्स अ न्यूली ओपन? यस, आई ओपन लास्ट मंथ ओनली। ओह लास्ट मंथ? यस लास्ट मंथ, ओके दैट्स ग्रेट। 1807 मीटर यहाँ की हाइट है, इसी वजह से ये ज़ेनोबोटो बहुत ज़्यादा ठंडा है। भैया से मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि मेरे एक सब्सक्राइबर है दीमापुर के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मेरा मिलने वाला ज़ेनोबोटो में है, अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपका उनसे कांटेक्ट करा दूंगा और वो आपको यहाँ पे होस्ट कर लेंगे और आपका मतलब थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने में भी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और भैया 2 दिन से हमसे मतलब कॉन्टैक्ट में है और अभी फाइनली हम यहाँ पर आए। और तो चलो भैया से मिलवाते हैं आपको। It's a really, really nice restaurant, brother. I really enjoyed. Thank you, thank you. So, what's your name? I am Tavin. Tavin. Okay. Call me Tavin. Okay. Very, very strong, no? Well, it's good. ये restaurant आपने कब खोला है cafe? Last month, November. Last month. Okay. It's newly opened. Hunting for the customers. No, that's good, that's good. It will be famous very soon. Because you have karaoke also, na? Yes, yes. Oh, that's great. Karaoke तो भैया मेरा favorite है। मैं Philippines में भी बहुत karaoke restaurant में गाता था। You can have a yeah, show. Yeah. Yeah, we will. We have a whole night here. Yeah. So, आराम से भैया अच्छे से enjoy करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। और 2 दिन से आप मतलब बिल्कुल हमारे से जुड़े हुए, कनेक्ट हो, बार बार फोन करते हो भैया कब आ रहे हो क्या आ रहे हो, तो यार ये हॉस्पिटलिटी है ना मेरे को बहुत अच्छी लगी है नागालैंड के लोगों की सच में। तो चलो अभी भैया से थोड़ा गपशप मारते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। No,
तो भैया अभी हम आ गए हैं भैया के किचन में, और किचन में भैया देख लो भैया अच्छा अच्छा बन रहा है, मतलब सब कुछ इसमें मोमोज बन रहा है, यहाँ पे भैया एग रोल वगैरह बन रहे हैं, और ये भाई ब्रदर व्हाट्स योर नेम? इबेका, यू आर टैटू लवर ना? हाउ मेनी टैटू यू हैव? Also in this hand? No, only this hand. Okay, that's great. So देखो यार अच्छा सा किचन भैया ने सेट कर रखा है, और स्पेशली यहाँ पे मिलती है कॉफी, हर तरह की कॉफी, आयरिश कॉफी, एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, हर तरह की कॉफी यहाँ पे मिल जाएगी, तो बढ़िया है यार अच्छा है. सो इट्स अ न्यूली रेस्टोरेंट इन हियर ज़िनेबोटो, और अभी भैया हम भी लग गए काम पे. भैया बोलते हैं अरे अरे ऐसा ये मत करो, काम मत करो, मैंने कहा नहीं यार हम तो अब हमारा ही रेस्टोरेंट है ऑब्वियस है, और मुझे तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है, तो ठीक है यार अच्छा है. अभी बस ठीक है भैया से टाइम पास वगैरह कर रहे हैं, कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ सर्विंग वगैरह थोड़ा बहुत वो सब भी कर रहे हैं. ये वाली मशीन देखो भाई, इसमें बनती है तगड़ी वाली कॉफ़ी, और यू कैन सी द कॉफ़ी बीन्स. भैया भैया ने हमको सर्व किया है एग रोल, ठीक है, इसके अंदर भैया अंदर पूरी स्टफिंग है, और ये ऑमलेट जो होता है ना ऑमलेट के अंदर है. तो भैया इस तरह का एग रोल तो मैं सच में पहली बार ही खा रहा हूँ, क्योंकि एग रोल तो हमने जोधपुर में भी काफ़ी खाए हैं, लेकिन वो क्या होता था रोटी होती थी जो मैदे की रोटी होती थी उसके अंदर एग वगैरह डाल के और मसाला डालते थे, लेकिन यहाँ तो पूरा ऑमलेट बना के उसके अंदर मसाला डाला है, तो अमेजिंग होने वाला है. देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है इसका, ट्राई करते हैं. It's really really amazing, yeah. So भैया अभी हम चलते हैं अंदर, भैया को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि भाई ने बहुत ही अच्छा बनाया एग रोल. भैया बहुत अच्छा बनाया ना, मज़ा आ गया सच में, एकदम राजस्थानी स्टाइल में. पहले से मतलब बोला था कि स्पाइसी बनाना है, तो भैया फुल स्पाइसी में. और ये देखो ये बन रहा है ये पोक मोमोज, इधर स्टफिंग हो रही है. तो यार मतलब भैया के पास लिमिटेड आइटम है, लेकिन बढ़िया आइटम है. ये बन रहा है भैया पोक मोमो, देखते हैं कैसा बनाते हैं. बना लूँगा वैसे, मेरे को कॉन्फिडेंस तो है पक्का बन जाएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. इतना बहुत हो गया ठीक है, फिर अब इस हम इसमें भरेंगे हम स्टफिंग, जो कि यस इतनी स्टफिंग होगी, फिर हम भैया इसको करेंगे पैक इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इससे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, फिर भी हो गया ये हमारी हमारे तो ठीक ठाक बना है, ज़्यादा उतना अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन बना दिया हमने. मौसम हो चुका है यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद मैं भी गाना गाऊंगा श्योरली. That's great, bro. That's great. Oh yeah, mahol ban gaya hai. Baby, I got your number. Hi, hi. Oh, I know that you're mine. I can't think,
पहला नशा पहला खुमार माहौल बना हुआ है, खूब मजे आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल. सो भैया रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो एंजॉयमेंट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. सब के सब भैया एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, मज़ा आ रहा है यार सच में. दैट्स रियली ग्रेट यार.